प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। देशमुख और मलिक के वोट नहीं मिले, ऐसी प्रफुल्ल पटेल ने दी जानकारी। कहा कि पार्टी में क्या चल रहा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण आयोग की हुई बैठक, महाराष्ट्र को बाल श्रम मुक्त बनाने का सुशीबेन शाह का लक्ष्य। और कृष्णा खोपड़े ने राज्यसभा चुनाव पर दी प्रतिक्रिया, संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विजयी उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल ने पत्रकारों से वार्ता के समय कहा कि हमें महाविकास आघाड़ी में वोट नहीं मिला, ऐसा नहीं है। हमारे विधायकों ने सही वोट दिया है, निर्दलीय और छोटे दलों ने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है, लेकिन अपेक्षित 4.5 वोट नहीं मिले। देशमुख और मलिक के वोट नहीं मिले, कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों से क्षणिक नाराजगी हो सकती है। विधान परिषद की मतदान प्रक्रिया अलग है, इसे गुप्त मतदान द्वारा किया जा सकता है। लोग चाहे तो मैं एक बार फिर लोकसभा में जा सकता हूँ कि एक पार्टी में क्या चल रहा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। म्हणजे काही छोटी मोठी नाराजी, असं नाही की प्रचंड काही नाराजी, पण छोटी मोठी नाराजी कोणी व्यक्त केली असेल तो, पण ते स्वाभाविक आहे। आता असं आहे की एक महाविकास आघाडीमध्ये तीन पक्ष, बरेच मित्र पक्ष, काही आपले काय म्हणतात अपक्ष आमदार आहे, थोडा वेळ लागते अशा गोष्टीमध्ये। सगळ्याच्या सगळ्या म्हणजे एक पक्षाची सरकारमध्ये काही नाराजीची असूर असते, तुम्हाला नागपूरमध्येही दिसत असेल ना। काय मला काही सांगायची गरज आहे का नागपूरमध्ये एका पक्षामध्ये काय चाललं आहे? देखिए राज्यसभा के चुनाव में पहली बात तो ये बहुत स्पष्ट है कि तीनों जो पार्टीज है, शिवसेना, कांग्रेस और NCP, इन तीनों पार्टी के जिसके मिला के मेजोरिटी से बहुत ज़्यादा हैं, ये तीनों पार्टी के वोटर जो हमारे MLA से उन्होंने पार्टी ने जो दी हुई लाइन है उसके आधार पर वोटिंग किया है, उसमें से एक भी MLA का क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ है। दूसरी महत्व की बात यह है कि एक हमारा MLA जो वोटर था उसका वोट डिस्क्वालीफाई हुआ। तीसरी बात, नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोट करने का अधिकार नहीं मिला। अगर आप ये इतना भी हिसाब कर लेंगे और जो लोगों ने इंडिपेंडेंट या छोटे पार्टी के लोगों ने वोट किया तो भी आपको अंदाज लगेगा कि एक 4-5 वोटों का ही फर्क कहीं इधर उधर हुआ है। अमृता फडणवीस से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबसे पहले मैं उन सभी विजयी भाजपा उम्मीदवारों की कामना करती हूँ जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, मैं भी उनके अच्छे होने की कामना करती हूँ। ये सत्ता की जीत है, मुझे खुशी है कि बाकी सब सच्चाई के पक्ष में है। अब देवेंद्र अकेले नहीं थे, कभी नहीं थे, पूरा ब्रह्मांड उनके साथ है, हम सब है, आप लोग भी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पुणे द्वारा अर्चना पाटील जींच्या कर्तृत्वामुळे आज हा जो कार्यक्रम झाला तो पॉसिबल झालेला आहे। आणि बुधवार पेठेत आपण ह्या स्त्रियांना सुकन्या समृद्धीचे कार्ड वाटप केलेले आहेत आणि त्यांचा आरोग्य चिकित्सा पण आहे आणि पूर्णपणे त्यांची ओवरऑल डेव्हलपमेंटसाठी पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे भाजपा, याचा मला आनंद आहे। आणि मॅडमसुद्धा आपल्याबरोबर आहे। सर्वात आधी पियुष गोयलजी, धनंजय माडिकजी, अनिल बोंडेजी यांचा यांना मी शुभेच्छा देते आणि नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली, अमित शहाजींच्या नेतृत्वाखाली, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली, चंद्रकांतजींच्या नेतृत्वाखाली सर्व पार्टीचे जेवढेही MLAs आहेत आणि निर्दलीय MLAs आहेत ज्यांनी साथ दिला त्यांना मी धन्यवाद देते। आणि हा खूपच सुंदर असा विजय झालेला आहे, सत्याचा विजय आहे, कारण सत्याच्या बाजूनी बाकी सगळे आहेत याचा मला आनंद आहे। मला खूपच आनंद आहे नक्कीच। आणि हा आनंद आहे की अब देवेंद्र अकेला नाही आहे, ना कभी था, उनके साथ पूरी कायनात है, हम सब तो है ही, आप लोग भी है। तो मुझे लगता है जो प्रगति का राजकारण है वही दुनिया में आगे आएगा, ना कि टोमनेबाजी का राजकारण। NTPC मौदा में एक माह से जारी बालिका सशक्तिकरण अभियान का समापन समारोह 11 जून को जिला अधिकारी R. विमला की उपस्थिति में आयोजित हुआ। श्रीमती विमला ने NTPC को बालिका सशक्तिकरण अभियान जैसी अनोखी मुहिम शुरू करने के लिए सराहा और सभी बालिकाओं को जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देते हुए उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया।
जैम प्रोग्राम एनटीपीसी मौदा में पहली बार आयोजित हुआ, जिसमें निकटतम गांव की 5वीं पास बालिकाओं का चयन किया गया। समारोह में आसपास के गांवों की 50 बालिकाएं एक महीने से एनटीपीएस मौदा परिसर में आवासीय कैंप की प्रतिभागी थी, जिसमें उन्होंने नृत्य, नाटक, संगीत, ताइक्वांडो आदि जैसी कलाओं का प्रशिक्षण लिया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारीगण, एनटीपीसी कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य, समृद्ध महिला समिति, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद थे। बीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। मुंबई में आज एक बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र का एक लंबा इतिहास है और हमने उसी इतिहास को बरकरार रखते हुए महाराष्ट्र में मजदूरों को मुक्त करने का फैसला किया है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा आयोग और पन्ना के सहयोग से महाराष्ट्र से बाल मजदूरों को रिहा करने का फैसला किया है। हम राज्य सरकार से महाराष्ट्र में कई कंपनियों में काम करने वाले बाल मजदूरों के नाम पर 50,000 रुपये जारी करने और उनके नाम पर उनके शैक्षिक खर्च के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने की भी मांग करेंगे। ये बात महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सुशीबेन शाह ने कही है। त्यानंतर सगळे काय आइन्स्टाईन होऊ शकत नाही, सगळे काय एक्सपर्ट होऊ शकत नाही। वेगळी वेगळी लोकांना काहीतरी वोकेशनल ट्रेनिंग घ्यायची असेल तर ॲज अ स्टेट कुठेतरी मला वाटतो आहे आपण ते प्लॅटफॉर्म मुलांना देत नाही। 17 वर्षाचा बाळक किंवा 15 वर्षाचा बाळक एक त्याच्याकडे एक समज असते, त्यांना स्वतःला काहीतरी करायचं असते। आणि जसं कोणी सांगितलं की सुशीबेन आमच्याकडे मुलगी होती ते शिकायची, म्हणजे शी वॉज इन द 10th स्टँडर्ड, घरी जाऊन दळादळ एक मॅगीचे पॅकेट घ्यायचे, छोटी छोटी वाटी म्हणून 2-2 रुपयाची विकायची, 5 रुपयाच्या मॅगीचे पॅकेट। तर इज इट बालकामगार? तर तशी मुलांना आपण कसं प्लॅटफॉर्म देणार, कशी वोकेशनल ट्रेनिंग करून देणार, कशा त्याच्यामध्ये जे एंटरप्रेन्युअरची जे स्पिरिट आहे कसं त्याला आपण अजून प्रोत्साहन देणार? त्याची मी निवेदन केलं होतं एन जी ओला की कोणते असे एन जी ओ आहेत त्यांना आमचा बरोबर सहभाग व्हायचा आहे, नॉट ओन्ली इन मुंबई पण ग्रामीण भागात पण। माझ्याकडे ते सगळं रेकॉर्ड आहे, सध्या माझ्याकडे नाही आहे पण नंतर मी तुम्हाला नक्कीच पाठवेल। बरीचशी मुली नर्स, पोलीसमध्ये भरती झालेल्या आहेत, CA झालेल्या आहेत, तर माझ्याकडे ते रेकॉर्ड आहे, मी तुम्हाला नक्की पाठवून देईन। 23 जूनला आमचा प्रोग्राम आहे, जूनच्या अखेरपर्यंत तुम्हाला समजणार आमची काय मोहीम आहे। खबरों के सिलसिले में वक्त चला एक ब्रेक का मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से उमरखेड़ तालुका के नारली गांव पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। अचानक हुई तेज हवा के झोंकों के साथ तेज बारिश के कारण क्षेत्र में बिजली के खंभे गिर गए हैं। कई नागरिकों के घरों पर बारिश के कारण टीन के पत्ते उड़ गए हैं और आंधी के कारण पेड़ भी गिर गए। नागपुर जिले के कामठी नया पुलिस थाना के इलाके में पिछले कई दिनों से किसानों के खेतों से बिजली पहुंचाने वाली तार तथा पानी की मशीनें चोरी की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिसकी कई बार किसानों ने तथा बिजली विभाग ने नवीन पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद नवीन पुलिस थाना के डीबी पथक ने इस मामले की जाँच की। इस दरमियान पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि कामठी बस स्टॉप के पास बंद पड़े नीलम लॉन में चोरी का तार चोरों ने छिपा कर रखा है। इसी आधार पर पुलिस ने जाकर माल अपने कब्जे में लिया है। इस मामले में तीन आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी के तार सहित एक गाड़ी जब्त की है। कुल मिलाकर 1,60,000 का माल पुलिस ने जब्त किया है। आरोपियों को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया गया है। पुलिस की माने तो चोरों से और माल मिलने की संभावना जताई जा रही है। नवीन कमटी पुलिस स्टेशन मध्ये शेतकरी आवंडी शिवारामध्ये चोरीचे प्रमाण जास्त वाढत असल्यामुळे शेतकरी त्रस्त आहे आणि त्यांनी त्रस्तपायी तक्रार दिली होती की आवंडी शिवारामध्ये 2,000 फूट शेतीमधला इलेक्ट्रिकचे केबल चोरी गेलेले आहे। अशा माहितीवरून पोलीस स्टेशन इथे गुन्हा दाखल झालेला आहे। सदर डायरी आम्हाला तपासामध्ये भेटली होती आणि आम्ही त्याचा शोध घेत होतो। त्या दरम्यान आम्हाला नीलम लॉन इथे काही इसम ॲटोमध्ये MSCBचा वायर आणून त्यांनी लपवून ठेवलेला, अशा माहितीवरून आम्ही स्टॉप्सवर तिथे गेलो आणि सदर इसमाला ताब्यात घेतले। आवंडी शिवारामध्ये भरपूर अशा तक्रारी आहे की इलेक्ट्रिकचे लाईन केबल मोटर पंप त्यांच्या असे चोरीला जातात, त्या अनुषंगाने तिथले शेतकरी त्रस्त होते आणि आम्ही त्यामुळे त्यांना हे करण्याकरता आरोपींना आळा घालण्याकरता तिथं पेट्रोलिंग जास्त लावली होती आणि इन्फॉर्मर आमचे लावून ठेवले होते। त्यावरून आम्ही 3 आरोपीला अटक केलेली आहे आणि आरोपींकडून आम्ही जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये मुद्देमाल हस्तगत करू। आता जर त्याच्यामध्ये आम्ही 100 फूट माल रिकवर झालेला आहे सध्या आरोपींकडून आणि त्यांनी वापरलेला ॲटो हस्तगत केलेला आहे। अजून तपासामध्ये अजून ते लोक सांगणार की तू माल त्यांनी कुठे ठेवलेला आहे काय, ते आम्ही पूर्ण हस्तगत करू। बीजेपी के विधायक कृष्णा खोपड़े ने राज्यसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने घोड़ा बाजार करने का प्रयत्न किया है, साथ ही सरकारी यंत्र का प्रयोग किया है, पर देवेंद्र फडणवीस की वजह से उनकी ये कोशिश फेल हुई और बीजेपी पार्टी की जीत हुई, ऐसा कृष्णा खोपड़े ने कहा है। वारंवार तुम्ही ज्या दिवशी राज्यसभेचे उमेदवारी करता 7 लोकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला त्या दिवसपासून संजय राऊत वारंवार म्हणत होते का घोडे बाजार होणार आहे आणि उद्धव ठाकरेंनी घोडे बाजार करण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न केला, सरकारी यंत्रणेचा प्रयत्न केला, जे होऊ शकते ते सगळी ताकद त्यांनी लावले, परंतु हे सगळे देवेंद्र फडणवीस साहेबाच्या सगळे हे लोक फेल झाले आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे 3 राज्यसभेचे उमेदवार निवडून आले आणि उद्धव ठाकरेची नामुष्की झाली। आमदारावर जे घोडे बाजारीचा आरोप लावत होते, कारण 1 आमदार 3.5-4 लाख मतदारसंघाचा नेतृत्व करतो आणि आज तुम्ही TV मध्ये पाहिलं असेल ज्या आमदारावर आरोप लावले ते सगळे आमदार त्यांच्यावर उलटले आहे। ही लोकशाही आहे, ही काही दडपणशाही नाही आहे आणि म्हणून सगळ्या आमदारांनी आघाडीच्या आमदारांनी एक जिवंत उदाहरण देऊन या राज्यामध्ये 6 उमेदवार निवडून आणण्याचं काम केलं आणि त्यामध्ये 3 भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार आपले निवडून आले। राज्यसभा चुनाव इलेक्शन 2022 के नतीजे काँग्रेस के लिए बेहद कड़वे रहे हैं। ऐसे में जब काँग्रेस 2024 की तैयारियों को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रही है, इन नतीजों में पार्टी एकजुटता सुनिश्चित करने का सबक देने का काम किया है। विश्लेषकों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व को अब अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की दरकरार है, जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। तो VKB प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।